इस वक्त की बड़ी खबर, इसराइल की वायुसेना ने बीती रात गाजा में 750 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इसराइल के ये हमले हमास की सुरंगें, उसके कमांड सेंटर, आतंकियों के घर, हथियारों के गोदाम पर किए गए हैं। हमास के ठिकानों पर लगातार इसराइल का हवाई हमला जारी, तस्वीरें जारी की गई हैं। 750 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मकसद है हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह करना, बर्बाद करना। सुरंगों को भी निशाना बनाया गया है। कई इमारतें ध्वस्त की गई हैं, कई बड़े हमास के अधिकारी भी ढेर किए गए हैं। ये तमाम दावे इसराइल की ओर से किए गए हैं। 750 ठिकानों पर अटैक किया गया है। हथियारों के गोदाम को भी निशाना बनाया गया। बीती रात 750 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। हमास ने जिस तरह से इसराइल पर पिछले शनिवार को अटैक किया था, उसके बाद से इसराइल लगातार हमलावर है और हमास के तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की कवायद कर रहा है। हवाई हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। पहले कोशिश ये है कि हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया जाए, जो उसके हथियारों के गोदाम है उनको बर्बाद किया जाए और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। बीती रात 750 जगहों पर इसराइल ने एयर अटैक किया है। इसराइल के ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है। गाजा पट्टी पर 750 जगहों पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है। गाजा में बिजली और ईंधन की सप्लाई ठप हो चुकी है। गाजा में किसी भी चीज को आने की अनुमति नहीं है। हमास नेता के भाई को मौत के घाट उतारा गया है। हमास कमांडो समेत 5 घरों को तबाह कर दिया गया है।